हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पीके सर, योर केमिस्ट्री सर, वेलकमिंग यू टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस. दिस इज द केमिस्ट्री पार्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, इस चैप्टर में इससे पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो पुराने वीडियोस हैं, पुराने जो लेक्चर्स हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द जर्नी. अगर आपके माइंड में ये बात प्रॉब्लम कर रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, दैट इज द अनदर नेम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है. ठीक है, चलिए कंबस्चन क्या होता है, इसका मीनिंग अगर हिंदी में बोला जाए तो कंबस्चन का मीनिंग होता है जलना. कंबस्चन का मीनिंग क्या होता है, जलना. ठीक है, बट किसकी प्रेजेंस में. ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन का जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, तो जब उनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, यानी कि सिंपली आप मान सकते हैं कि कोई एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड को आपने बर्न किया. कंपाउंड जो है उसको आपने क्या किया, बर्न किया, तो उसमें क्या होगा, आपको वो जो कंपाउंड होगा कंफर्म है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन होगा. बर्न करेंगे, बर्न करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, या हम एयर बोल सकते हैं सिंपली, इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, जब एयर की प्रेजेंस में ऐसा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको याद रखना है CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है और साथ में आपको यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी होता है अलोंग विद हीट. हीट का निकलना ज़रूरी है. समटाइम्स दिस हीट इज़ रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ लाइट. कभी कभी ये हीट जो होती है वो लाइट के फॉर्म में भी बाहर निकलती है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. अब ये तो हो गया एक जनरल एग्जांपल, लेकिन हमें तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दिया जाए फिर आपसे पूछा जाए कि उसमें क्या होगा. तो देखिए एग्जांपल आपको याद रखना है, फॉर एग्जांपल ये है आपका मीथेन, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन. ठीक है, अब इस मीथेन का आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीथेन जो है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्निंग करेंगे. ठीक है, ये क्या होता है, बर्निंग होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, सो हियर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा. ध्यान रखिएगा हमेशा इस साइड में जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितने कार्बन होंगे, यहाँ पर कंबस्शन में उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे. नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड. ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पर देखिए ये जनरल एग्जांपल में हमने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी होता है, सो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना बनेगा, याद रखिएगा यहाँ पर जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ, यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, देन हियर इट विल बी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस साथ में आपको मिलेगा हीट और लाइट. समटाइम हीट जो है या जो लाइट है वो क्या है, हीट की फॉर्म में ही आपको मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो और एग्जांपल की बात करें तो देखिए जैसे ये है आपका CH3CH2OH, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल. व्हाट इज इट कॉल्ड, इथेनॉल. ठीक है, इस रिएक्शन की बात करें, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, टोटल 4 ऑक्सीजन है. यहाँ पर तो 2 ही ऑक्सीजन के एटम है, तो इसको हमें क्या करना है, 4 कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ दिस इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि आपके सिलेबस में है पार्ट चैप्टर 1 जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, सो दिस हैज़ टू बी लर्न्ड इन दिस चैप्टर. नाउ CH3CH2OH,
इसको आपको क्या करना है, इसका बर्निंग करना है आपको, क्या करना है इसका बर्निंग। टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन तो दो है, तो दो कार्बन के अकॉर्डिंगली आपको दो CO2 के मॉलिक्यूल निकालना है। एक कार्बन अगर उस रिएक्टेंट साइड में है तो एक मॉलिक्यूल निकलेगा CO2 का, दो है तो दो मॉलिक्यूल CO2 के निकलेंगे, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को काउंट कीजिए इस साइड में, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तीन और दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल हो गया सिक्स हाइड्रोजन। सिक्स हाइड्रोजन को आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल थ्री, ठीक है। टोटल अब यहाँ पर ऑक्सीजन देख लीजिए और प्लस हीट लाइट एनर्जी के फॉर्म में, तो निकलेगी निकलेगी हीट या लाइट निकलेगी यहाँ पर। बर्निंग कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी मॉलिक्यूल का बर्निंग हो, चाहे से मीथेन का हो या चाहे से इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल का हो, वहाँ पर ज़रूर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और उसके साथ हीट और लाइट ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थ्री ऑक्सीजन तो ये हैं और फोर ऑक्सीजन यहाँ पे है, टोटल उधर सेवन ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन तो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो हमें टोटल इधर सात करने हैं, इधर भी सात होने चाहिए। एक इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं, करेक्ट, इसको हमें छः बनाना है, तो इसको सिक्स बनाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय थ्री, ठीक है। ये था एक सिंपल सा एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा सब टाइप आ जाता है। सब टाइप का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर दो टाइप के कंपाउंड्स की बात की है, एक आता है सैचुरेटेड कंपाउंड और एक आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो ये डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, चलिए सैचुरेटेड की बात की थी जब हमने कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं ये पूरे के पूरे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में या तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स का बर्निंग करते हैं या कंबस्चन करते हैं, कंबस्चन किसका करते हैं, हम सैचुरेटेड कार्बन कार्बन वाले जो कंपाउंड है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपली आप बोल सकते हो, तो जब उनका हम कंबस्चन करते हैं तो हमें जो फ्लेम मिलती है, फ्लेम का मतलब समझते हो, जब हम किसी को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एलपीजी हमारे किचन में जो यूज़ होता है उसका जो बर्नर होता है उसमें से जो फ्लेम निकलती है, जो आग जो फायर होती है वो जब निकलती है उसका कलर, तो यहाँ पर जो फ्लेम आती है उसका कलर जो होता है वो क्लीन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लेम होती है वो क्या होती है, क्लीन फ्लेम होती है। अब यहाँ पर क्लीन का क्या मतलब है, जस्ट बात करते हैं अभी हम। अब दूसरा जो है आपका अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लेम निकलती है वो येलो कलर की निकलती है, येलो फ्लेम। ये भी आपको याद रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड ऑफ कार्बन जो होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, स्मोक निकलता है, स्मोक का मतलब समझते हो, धुआं, ठीक है, ब्लैक कलर का स्मोक, काला रंग का धुआं निकलता है, ब्लैक स्मोक। और यहाँ पर क्या होगा, ये स्मोक फ्री है, ये क्या है, स्मोक फ्री, नो स्मोक, यहाँ पर कोई स्मोक नहीं है, ठीक है, स्मोक यहाँ पर नहीं निकलता है, यहाँ पर ब्लैक स्मोक निकलता है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने डेली लाइफ में ये एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं, जब मतलब कुकिंग का काम करते हैं, तो जब कुकिंग का काम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो आपका, अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखिए एक कारण तो इसमें यह है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला, या ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए या मल्टीपल बॉन्ड मान लीजिए, ठीक है, तो एक कारण तो ये है। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो बर्निंग किया है उस बर्निंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल है, इथेनॉल का क्या है आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल को बर्न करने के लिए, पूरा बर्न करने के लिए आपको यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के तीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की ये इतनी क्वांटिटी नहीं हो तो क्या होगा, फिर उस कंडीशन में हम उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन,
कंबस्चन तो हुआ बट दैट कंबस्चन इज इनकम्प्लीट, करेक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ब्लैक स्मोक का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हम ऐसी कोई प्लेस हम जो यूज़ करते हैं जहाँ पर एयर की प्रॉब्लम हो, यानी कि जहाँ पर जो एयर है वो कम प्रेजेंट हो, इन दैट केस वी कॉल दिस ब्लैक स्मोक इज फॉर्म्ड, ठीक है। और यहाँ पर स्मोक फ्री होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म फ्लेम का कलर नहीं शो करता है, ठीक है। यही कारण है, दिस इज़ द रीज़न कि जो गैस के या केरोसिन के जो स्टोव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इनलेट्स होते हैं। इनलेट्स का मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र समझते हैं, होल, छोटे छोटे हॉल होते हैं। और उन हॉल से क्या होता है, एयर जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है, और एयर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। तो दैट ऑक्सीजन गैस विल हेल्प टू गिव द ब्लू फ्लेम। तो जब ये स्मोक फ्री होता है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो फ्लेम बनती है ना, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। दिस इज द कलर फ्लेम का, ब्लू कलर, ठीक है। और जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं, जब हम सप्लाई जो है, या जो अपना जो कुकर जो बर्नर है, उस बर्नर में अगर कुछ छेद बने हुए हैं और वो छेद जो होते हैं या जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दैट प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर इज नॉट सफिशियंट, ओके, वहाँ पर मिलती नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जल रहा है, अच्छा एक चीज़ तो पूछी नहीं आप लोगों से मैंने कि ये जो LPG जो अभी मैंने बोला था, LPG, इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG, और ये जो LPG गैस होती है उसके अंदर क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर, व्हाट इज प्रेजेंट इन LPG के अंदर होता क्या है, ये क्वेश्चन आपको गूगल की हेल्प से भी फाइंड आउट करना है, और इसका आंसर जो है आपको चैट बॉक्स में या आपका जो कमेंट सेक्शन में है उसमें बताना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हमारे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, हम ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है जो पेट्रोल डीजल केरोसिन या आपकी कोई गैस CNG जो है उससे चलते हैं, ठीक है, उनको हम ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, या फिर ट्रेन की बात करें, ट्रेन, तो अगर अब आजकल तो क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का ज़माना है, ओके, सभी ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले 25 साल पहले जो है उस समय कोल से चलती थी। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सनी देओल की, हिंदी मूवी गदर, उसके अंदर जो लास्ट सीन आता है ना, तो सनी देओल और उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो क्या करते हैं, उसका जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, कोल सप्लाई करते हैं, कोल अपने हाथों से डालते हैं, ठीक है। कोल क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन एक एलिमेंट होता है। पेट्रोलियम क्या है, ये भी कार्बन से ही बना होता है। तो ये जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। अब जब ये नाइट्रोजन जो होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है, और उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं, नॉक्स, NOx, ठीक है, एक्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। सल्फर जो होता है उसके साथ में भी ये कहानी है कि ये सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है या सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब हम कोल या पेट्रोलियम जो होते हैं उनको बर्न करते हैं, तो उनमें जो प्रेजेंट जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है सल्फर की, या जो नाइट्रोजन है उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है गैसेस बनती है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, ये आपका जो एटमॉस्फेयर है उसको ख़राब कर देंगे, उसको पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब आप लोग बड़े हो जाओगे, बड़े होने का मतलब क्या है, आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे आप, तो वहाँ पे देखना आप नेक्स्ट क्लास में, ये जो एलिमेंट्स की जो ये फ्लेम बनती है,
फ्लेम बनती है, इस फ्लेम का जो कलर होता है, इस फ्लेम का जो कलर होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ओके। और इस कलर की हेल्प से ही, इस फ्लेम के कलर की हेल्प से ही कुछ एलिमेंट्स का आइडिया लगाया जाता है, आइडिया लगाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये, वैसे हालांकि आपको आगे काम आएगी। आगे का मतलब क्या होता है, जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, तो वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था रिएक्शन नंबर वन। ऑक्सीडेशन का मतलब आप लोगों को याद होगा, चैप्टर वन जिसमें हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात की थी, ओके। चैप्टर वन के अंदर केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं, वहाँ पर हमने टाइप्स की बात की थी, ठीक है। अब देखिए, एक तो होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है कम्बस्चन। कम्बस्चन के अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस जिसके आप बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो आपका सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन उसके अंदर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, एग्जांपल के लिए आपको याद रखना है, एग्जांपल एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ये है आपके लिए एक एग्जांपल, CH3CH2COH। और इसको बोलते क्या है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, इथेनॉल, या दूसरा नाम है इसका इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है इसका हमें, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। और इस ऑक्सीडेशन के बाद में जब आप इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसके बाद में इसके पास में ऐसा कुछ हो जाता है, और ये जो सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोला जाता है इसको, इथेनोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। अब देखिए, ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अल्कोहल भी मान लीजिए अगर आपके पास में प्रेजेंट है और आप उसको अगर ऐसे खुला रखेंगे, तो क्या ऐसा होगा, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो इस इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऐसा होता है, ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। और ऐसा कौन करेगा, कोई तो ऐसा सब्सटेंस यूज करना ही पड़ेगा आपको, जो आपको ऑक्सीजन एटॉमिक स्टेट में देगा। ये तो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और ये है ऑक्सीजन, इसको हमें ब्रेक करने के बाद हमें मिलेगा एटम। एटम जो होता है वो रिएक्शन करता है, मॉलिक्यूल तो कभी रिएक्शन करता ही नहीं है। तो फिर इस एटम को देने वाला जो होता है वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन देता है, या किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको चैप्टर वन में भी पढ़ा है आप लोगों ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या एक और नाम है इसी का, और इस नाम को हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन, ओके, या एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन का काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। जनरली आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, मैं जनरल बता रहा हूँ। जनरल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल पर आपको सिर्फ दो ही याद रखने हैं, लेकिन और भी तो बहुत सारे होते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं आपके पास में, आपके पास हो सकता है नाइट्रिक एसिड, आपके पास हो सकता है H2SO4, और आपके पास में हो सकता है KMnO4, आपके पास हो सकता है K2Cr2O7, आपके पास हो सकता है P2O5। ये सब जो सब्सटेंसेस हैं, ये सब ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, और इनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो है जनरली जो यूज़ किया जाता है
जनरली जो यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन KMnO4। अब ये अल्कलाइन क्या वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है? अल्कलाइन KMnO4, या फिर हम इसकी जगह पे दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं और उसको हम बोलेंगे एसिडिक, एसिडिक K2Cr2O7। अब ये एसिडिक क्यों करते हैं, अल्कलाइन क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे भी कारण है, करेक्ट। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं इसको, ये नीचे वाला K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसको क्या बोला जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इनके पास देखिए ऑक्सीजन, देखिए इसके पास 4 एटम है ऑक्सीजन के, इसके पास 7 एटम है ऑक्सीजन के, करेक्ट। अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इनके पास इतना ऑक्सीजन है कि ये इसको ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये इसके अंदर बन जाएगा, करेक्ट। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। तो इनकी क्या ज़रूरत है, अल्कलाइन KMnO4 का क्या मीनिंग होता है कि एक ऐसा KMnO4 जो किसी बेस की प्रेजेंस में हो, यानी कि सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपने KMnO4 को और बेस को मिला दिया, थोड़ा सा मिक्स करके काम में लेना है बस, उससे क्या होगा, उससे ये जो ऑक्सीजन है, भाई KMnO4 को क्या ज़रूरत पड़ी, KMnO4 ऑक्सीजन क्यों देगा, करेक्ट, कोई मजबूरी होगी तभी तो ये ऑक्सीजन यहाँ से अपनी ऑक्सीजन को खाली करेगा। तो ये अल्कलाइन जब कंडीशन आ जाती है ना, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और वो ऑक्सीजन निकल के इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे उसमें कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो आपका इथेनॉल है उससे आपका इथेनोइक एसिड बनने में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो दिस टाइप इज एन रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, बोलिए बोलिए, इसको हम बोलेंगे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम यही कहानी यहाँ पर भी तो है, K2Cr2O7, इसके पास तो इससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसको हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं। एसिडिक मीडियम का मतलब एक एसिड और एक ये K2Cr2O7 जो है, इनका दोनों का मिक्सचर काम में लेते हैं, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर ये जो सब्सटेंस यूज़ किया जाते हैं ये दोनों, इनको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्ज़ाम में आपको ये 2 एग्ज़ाम्पल ही याद रखने हैं, ओके। और अगर आपको आगे और भी सोचना है तो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपका सी रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं 2 सब्सटेंसेस की, 2 सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड, वन इज सैचुरेटेड एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये है कार्बन का एक कंपाउंड मीथेन जिसको हम बोलते हैं, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं इसको, कार्बन जो है इसके पास में देखिए यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अगर आप इसकी लेवाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है इस बॉन्ड के अंदर, ठीक है। इसको अभी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, कार्बन का काम सेटिस्फाइड हो गया है कार्बन। इन द सेम वे मीथेन को, हाइड्रोजन को देख लो, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हो गए इसके पास भी, हाइड्रोजन भी खुश कार्बन भी खुश, क्यों वो रिएक्शन करेगा, आगे रिएक्शन नहीं करेगा वो, उसको अच्छा लगता है कि बस वो ऐसे ही रहेगा। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें ऐसा ही तो होता है, उनमें क्या है कार्बन की सारी वैलेंसी फुल हो जाती है सिंगल बॉन्ड से, ओके, इसको ज़रूरत नहीं है। तो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं ना उनको हम बोलते हैं अनरिएक्टिव, दे आर कॉल्ड अनरिएक्टिव। अब ये रिएक्टर जो रिएक्टिव नहीं करेगा, जो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो स्टेबल है, वो क्या है स्टेबल है, ऐसा जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो रिएजेंट्स होते हैं उनसे रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सनलाइट, अगर आपने सनलाइट का यूज़ कर लिया तो सनलाइट के अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो जो सनलाइट की एनर्जी है वो किसी एक बॉन्ड को, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं मीथेन की बात करूँ, है ना, ये है आपका सी एच
थ्री, और ये एक बॉन्ड है इसका मीथेन का, ठीक है। और इसकी मैं अगर रिएक्शन कराता हूँ Cl2 के साथ में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ डालेगा। ओके, ये क्लोरीन का बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम बन जाएंगे, दो एटम बन जाएंगे ऐसे, एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम, दोनों मिलकर आपके ये बना लेंगे HCl, और एक क्लोरीन एटम इस बॉन्ड जो टूटा हुआ है उसकी जगह लग जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, CH3Cl, ठीक है। इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। व्हाट इज इट कॉल्ड? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसा ही जो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक एटम किसी दूसरे एटम को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया है, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। कैसे बनेंगे भाई, इंशाल्लाह देखिए, ये है आपका CH4, इसकी आपने रिएक्शन कराई कि Cl2 के साथ में, तो यहाँ पर एक HCl का मॉलिक्यूल बना, उसको हमने माइनस कर दिया, अब आपके पास बन गया CH3Cl। फिर इसके साथ में और आपने रिएक्शन कराई Cl2 के साथ में, तो अभी भी इसमें हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन निकाल दीजिए यहाँ से क्लोरीन के साथ में, बन गया आपका CH2Cl2, ठीक है। इसके अंदर एक बार और आप Cl2 की रिएक्शन करा दीजिए और यहाँ से माइनस HCl निकाल दीजिए, तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा और बन गया CHCl3। अभी भी इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन आप करा दो Cl2 के साथ, माइनस HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CCl4, इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर आपने इस रिएक्शन में, अगर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आपने क्लोरीन ज़्यादा ले लिया, देखिए क्लोरीन कितना लिया आपने, 1, 2, 3 और 4, अगर आपने 4 मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ले लिए हैं यानी कि, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं ख़त्म होगी, यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होगी, ये रिएक्शन यहाँ पर आके ख़त्म होगी। तो ये सब भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बस कंडीशन क्या है, सनलाइट होनी चाहिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो नॉर्मली अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, और एक और वर्ड यूज़ कर लीजिए, इनर्ट होते हैं, तो इसलिए ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कॉम्बिनेशन कंबशन हो गया, अब बच गया आपका एडिशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, ध्यान रखिएगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कैसे होता है ये, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक स्ट्रक्चर है आपके पास ये, इसको हम बोलते हैं इथीन। व्हाट इज इट कॉल्ड, इथीन, ठीक है। ये जो इथीन होती है, जब आप इस इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, जब कोई कैटलिस्ट होता है इसके साथ, कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता है, निकिल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, इनमें से कोई एक, तीन नाम बोले मैंने, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम। तो ऐसा क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ऐसा रिएक्शन होता है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, यहाँ से टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। और जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन दो एटम है, इनमें से एक हाइड्रोजन इसके ऊपर आएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ये अब नया बन गया सब्सटेंस आपके पास। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं इसको, हम इथेन, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, क्या हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ऐड का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है, ठीक है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है, कैटलिस्ट। इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कैटलिस्ट क्या होता है, यहाँ पर ये जो तीन बंदे हैं,
इनका यूज़ यहाँ पर ऐसे कैटलिस्ट किया जाता है, ठीक है, बट कैटलिस्ट होता क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कैटलिस्ट का डेफिनेशन। एक ऐसा सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विच इज, एक ऐसा सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जिसका यूज़ किया जाता है। केमिकल रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा, रिएक्शन को RxN पुल फॉर्म आप यहाँ से देख लेना रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। सो ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन टू चेंज, टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको चेंज कर देता है ये। एंड रिमेन अनचेंज्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, इन द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में ये क्या रहता है, अनचेंज रहता है। तो ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन ए केमिकल चेंज, ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ए कैटलिस्ट, इज कॉल्ड ए कैटलिस्ट, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझ आया, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, चेंज कर देता है। चेंज करने का मतलब होता है बढ़ाना और कम करना, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो कितना जल्दी होती है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन जल्दी हो रही है यानी कि फास्ट हो रही है, उसका टाइम कम लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे फास्ट रिएक्शन, ठीक है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें तो उसको हम बोलेंगे स्लो रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, स्लो रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, कैटलिस्ट स्लो रिएक्शन को फास्ट कर सकता है और फास्ट रिएक्शन को स्लो कर सकता है। तो ये है कैटलिस्ट की इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट बात क्या कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, उसको चेंज कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिक्रीज भी कर सकता है। और यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल हैं, तीन एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये हैं आपके कैटलिस्ट के, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में भी एक इम्पोर्टेंट यूज़ है, हमारी डेली लाइफ में भी इसका एक इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग जो वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इन ऑयल्स का क्या किया जाता है फैक्ट्रीज में, हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन कराया जाता है उस पर, वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हमें जो वेजिटेबल ऑयल्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेबल, इससे हमें मिलता है घी, आर्टिफिशियल घी जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल घी, वो बनता है इस रिएक्शन से, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में की जाती है, निकिल की प्रेजेंस में, ये जो निकिल वाला है इसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या है, फैट है, क्या है वो, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सॉरी सेचुरेटेड जो होता है वो बन जाता है, ये क्या है, सेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है। और ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ये होते हैं अनसेचुरेटेड, क्या होते हैं ये, अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा और न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो जो टेलीविज़न के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं या न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट लिखे हुए होते हैं उनमें लिखा हुआ आता है कि वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं ना वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्यों, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनका बॉडी के अंदर हाइड्रोजिनेशन हो जाता है यानी कि वो फिर बॉडी में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो एनिमल फैट होता है, जैसे एनिमल फैट का मतलब कोई ऐसी चीज, एनिमल फैट का मतलब क्या, जो एनिमल्स के अंदर जो फैट होती है, जैसे आप लोगों ने
जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनको पता है चिकन है मटन है उनमें क्या है एनिमल फैट होती है, और वो एनिमल फैट जो होती है ना वो हमारे बॉडी के लिए क्या होती है हानिकारक होती है हार्मफुल होती है। दैट इज़ हार्मफुल क्यों, क्योंकि उसका कोई हमारी बॉडी में चेंज नहीं होता है। हम अगर वेजिटेबल ऑयल्स खाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ खाया या जैसे कोई घी खाया या कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट खाया या फिर ऐसा आपने कोई चिकन या मटन खाया तो वो सेचूरेटेड होता है और उसका हमारे बॉडी में कोई चेंज नहीं होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो इसलिए फिर वो हमारे लिए क्या होते हैं प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे को जो ऑयल कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो ऐसे ऑयल यूज़ करने चाहिए हमें जिनके अंदर अनसेचूरेटेड हो या वेजिटेबल ऑयल इस टाइप के हो। ये वेजिटेबल ऑयल कैसे होते हैं अनसेचूरेटेड। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो ये थी कुछ केमिकल रिएक्शंस कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, कुछ स्पेसिफिक कार्बन के कंपाउंड्स की हमें बात करनी है, और दोनों ही कार्बनिक जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दो आपके सिलेबस में है, एक है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल, ठीक है, पहली बात इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2OH, ये तो इसका एक केमिकल फॉर्मूला है। इसी केमिकल फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है C2H5OH। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। इसका एक और नाम है, ये तो है इथेनॉल, एक और नाम है इसका, इसको इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है। इथाइल एल्कोहल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने इसका कुछ यूज़ भी किया होगा, इसका टेस्ट भी किया होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। ये जो इथेनॉल होता है इसी को हम एल्कोहल बोलते हैं जनरली, जिसको हम बोलते हैं ना कि एल्कोहल, जो एल्कोहल वर्ड यूज़ करते हैं जनरली, तो उसके लिए जब भी आपको बोला जाता है कि एल्कोहल, उसका मतलब है कि वो इसकी बात कर रहा है, इथेनॉल की बात कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी जो पीने वाले होते हैं उनको एल्कोहल वर्ड पता होता है, लेकिन उस एल्कोहल के अंदर क्या होता है वो नहीं पता होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसका और क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ बहुत अच्छा यूज ये है कि उसका यूज़ मेडिसिन्स में बनाया जाता है, मेडिसिन्स में किया जाता है इसका यूज़। अब मेडिसिन्स में कैसे यूज़ किया जाता है, देखिए एक यूज़ तो मैंने बता दिया जो कि इसका एवरग्रीन यूज़ है, क्या ड्रिंकिंग में, कुछ लोग इसको पीते हैं और पीने के बाद में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बक बक करते रहते हैं। नेक्स्ट जो है इसका यूज़ वो है मेडिसिन्स में। ठीक है, मेडिसिन्स के अंदर, और मेडिसिन्स में भी आपको नाम याद रखना है टिंक्चर आयोडीन। अब ये टिंक्चर आयोडीन क्या होती है भाई, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा जब आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, यानी कि जब प्लेग्राउंड में खेलते हैं और कभी कभी गिर जाते हैं पड़ जाते हैं, कोई चोट लग जाती है आपकी बॉडी पे, वुंड बन जाता है, तो जनरली हम क्या करेंगे, हम ड्रेसिंग करेंगे उसकी जो हमारी वुंड बन गया है या जो एब्रेशन हुआ है। एब्रेशन का मतलब छिल जाना, ऐसे जब छिल जाता है एब्रेशन बोलते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ड्रेसिंग करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक ब्राउन कलर की क्रीम आती है, एक ब्राउन कलर की सी क्रीम लगाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, और इसका और यूज़ देखिए, कप सिरप, COUGH, कफ सिरप, खांसी की जो दवाई होती है, खांसी कफ जो होती है उसको पीने में जो है यूज़ किया जाता है ना, खांसी की दवाई, तो उसके अंदर भी एल्कोहल होता है, इस एल्कोहल का यूज़ उसको बनाने में किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर आपसे बोलता है कि आपको जो ये कफ सिरप मैं दे रहा हूँ इसका इतना ही क्वांटिटी लेना है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा ही उसको एक साथ पी लिया, तो अगर आप पी लेंगे तो क्या होगा, आपको जो ये अल्कोहल का प्रॉब्लम है, अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है वो उसमें ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि जब भी डॉक्टर बोलता है कि इतनी क्वांटिटी ही लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी लेनी चाहिए, करेक्ट। इसके अलावा टॉनिक्स,
कफ सिरप हो गया, टॉनिक्स जो होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है इसका। टॉनिक क्या होता है भाई? टॉनिक का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी का बॉडी वीक है तो डॉक्टर उसको बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि कुछ टॉनिक लो। कुछ टॉनिक का मतलब क्या होता है? कुछ न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर होता है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है वो अल्कोहल में मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टॉनिक। ठीक है, अब इस इथेनॉल की अगर एक बात करें तो इथेनॉल को जब आप वाटर में मिलाते हो तो ये अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, वाटर में अच्छे से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने उस वाटर को पी लिया, तो आपके अंदर ड्रंकननेस जैसी कंडीशन आ जाती है, नशा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना नशा हो जाता है। आजकल तो वैसे भी एक गाना चल रहा है फेमस, जाने वो कौन सा नशा करता है। ठीक है, तो यही है वो नशा जो अल्कोहल की वजह से होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डाइल्यूट कंडीशन में, जब आपके अल्कोहल की क्वांटिटी या इथेनॉल की क्वांटिटी कम होती है। करेक्ट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग पीते हैं, अब पीने वालों को कौन रोक सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी के अंदर एक एविल है, सोशल इविल है, एक सामाजिक बुराई है जिसको हमें क्या करना है, दूर करना है और हमें इससे दूर रहना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने 100% अल्कोहल पी लिया तो हम जो पीते हैं, हम का मतलब मैं नहीं भाई, बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पीने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो जो बाकी लोग जो पीने वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, पानी मिलाकर पीते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, उससे उसका इफ़ेक्ट कम होता है। लेकिन अगर किसी ने 100% अल्कोहल पी लिया, ध्यान रखिएगा 100% अल्कोहल जो होता है, इथेनॉल जो होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोला जाता है। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? एब्सोल्यूट अल्कोहल, याद रखिएगा 100% जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का मतलब हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी से है, 100% अल्कोहल जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो अगर आपने ऐसा अल्कोहल यूज़ कर लिया तो उस कंडीशन में आपकी लाइफ जो है को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। और अगर मान लीजिए कोई डेली पीता है, रोज़ाना ही पीता है, सुबह पीता है, शाम पीता है, तो फिर उसका जो लीवर है वो जवाब दे देगा, लीवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। और अगर लीवर डैमेज हो गया ना किसी का, तो फिर क्या इलाज है, फिर लीवर का इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इथेनॉल की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन जो है इसकी, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ में? विद सोडियम। इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ में। सोडियम क्या भाई? सोडियम तो एक मेटल होता है। तो जब सोडियम की रिएक्शन इथेनॉल के साथ में कराते हैं तो फॉर्मूला तो आपको ये लिखना है, ये वाला ही C2H5OH प्लस सोडियम का तो सिंबल आप लोग जानते ही हैं, Na होता है। इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और क्या बनता है साथ में? साथ में जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं C2H5ONa, जिसको हम बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? सोडियम इथोक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ से आता है, ध्यान रखिएगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा इसमें से। ये हाइड्रोजन क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर देखो आप जल्दी से, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है, ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है, ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालने में बहुत जोर आता है, नहीं होगा यहाँ से, लिए हाइड्रोजन ये निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको अपनी ओर खींच लेता है, हाइड्रोजन बेचारा यहाँ से बाहर भाग जाता है। किसके साथ? इसकी वजह से। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, दो मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड। ये रिएक्शन तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी आप लोगों को,
याद करो आप लोग जब आप लोगों ने एसिड वाला चैप्टर पढ़ा था, और जब आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में कराते हैं तो उस मेटल का सॉल्ट बना था, मेटल का सॉल्ट बना था, और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई थी, वहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। तो जब आपको ये रिएक्शन याद आए ना, तो उसके साथ साथ में आपको ये रिएक्शन भी याद करनी है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर मान लीजिए हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जो हम कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में जब ये रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए क्या होता है, ये है आपका C2H5OH, इसकी रिएक्शन जो है आपने किसके साथ कराई, कॉन्सनट्रेट H2SO4। जब ऐसा रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इसमें से C2H5OH जो है आपका, उसमें से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो आपको प्रोडक्ट ये मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इथीन। दिस इज कॉल्ड इथीन, इसको बोला जाता है इथीन। तो इसने क्या किया, इस इथीन ने क्या किया, इथीन ने क्या किया वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, सॉरी इथीन ने नहीं निकाला, इसने बाहर निकाल दिया, कॉन्सनट्रेट H2SO4 जो है उसने इस एल्कोहल में से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। सो वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल का जुड़ना, ऐड होना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब होता है कम होना, वाटर के मॉलिक्यूल का कम होना। तो यही तो है यहाँ पर एजेंट, जैसे हमने वहाँ देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन का काम करता है, जो डिहाइड्रेशन का काम करेगा उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये याद रहेगा, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। तो ये थी कहानी इथेनॉल से रिलेटेड, और इथेनॉल से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, तो वो जो बातें हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। ओके, उसके बाद में हम जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 5 चैप्टर उसके बारे में बात करेंगे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मीटिंग यू टुमारो नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।